अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल स्क्रीन डैमेज इंश्योरेंस के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी का टाइम पीरियड कितना है, तो देखिए इसका जो टाइम पीरियड है वो एक साल, ठीक है। बाकी इसके आप मंथली 60 रुपये या फिर डेली के 2 रुपये आप पे कर सकते हैं, इजी पैसा को। अगर आपकी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन डैमेज हो जाती है एक्सीडेंटली, तो आप जो है वो पैसे अपने क्लेम कर सकते हैं इजी पैसा से। बाकी इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं और बाकी कुछ आपके क्वेश्चन भी होंगे, उन सभी के मैं आंसर आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी स्क्रीन डैमेज होती है तो अप टू, ठीक है, 10,000 आपको मिलेंगे इजी पैसा से, ठीक है। अप टू यहाँ पर आ जाता है तो मतलब आपके जो मोबाइल को देखकर आपको पेमेंट की जाएगी, मतलब ये नहीं कि आपका मोबाइल थोड़ा सस्ता और आपको जो है वो 10,000 ही इजी पैसा पे करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी वो फुल डिटेल्स लेते हैं। और बाकी अगर आप जो है वो इस पॉलिसी से इंश्योरेंस को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टाइम पीरियड का आपको पता चल गया। और इसके अलावा जो है वो आपके अगर इजी पैसा अकाउंट में पैसे कम पड़ जाते हैं, 15 दिन लगातार अगर आपके मोबाइल फ़ोन से 2 रुपये चार्ज नहीं होते, तो ये जो इंश्योरेंस है वो ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यू हो जाएगी, अनसब्सक्राइब हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन है कि अगर हमने अपने मोबाइल फ़ोन की ये इंश्योरेंस करवाई है स्क्रीन की, ठीक है, तो बाकी हमारा मोबाइल डैमेज नहीं होता और हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर दोस्त का डैमेज हो जाता है, तो क्या हम वो पैसे क्लेम कर सकते हैं? तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन की ही इंश्योरेंस आपने करवाई है तो उसी के आपको पैसे मिलेंगे अगर वो आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन डैमेज होती है, ठीक है। तो बाकी अगला जो क्वेश्चन था कि आपका अगर ये अनसब्सक्राइब हो जाती है इंश्योरेंस या फिर डिसकंटिन्यू हो जाती है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसके लिए आपको जो है वो दोबारा से प्लान न्यू IMEI के साथ ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था कि अगर जो है 15 दिन तक हम पेमेंट नहीं करते तो क्या होगा, तो वो तो एक अलग बात है कि आपकी जो इंश्योरेंस है वो तो ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन जितने भी आपके पैसे होंगे वो आप को रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि अगर हमारा मोबाइल फ़ोन कहीं पर गुम हो जाता है तो क्या हम फिर भी पैसे जो है वो क्लेम कर सकते हैं, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन डैमेज होती है तो उसी के आपको पैसे मिलेंगे, अगर आपका कोई कहीं पर लॉस्ट हो जाता है मोबाइल फ़ोन तो आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी कितने दिन के अंदर आप जो है वो फाइल कर सकते हैं इजी पैसा को क्लेम के लिए कि हमारा मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है वो डैमेज हो चुकी है, तो उसके लिए 15 दिन है, ठीक है। 15 दिन के अंदर अंदर आपको इजी पैसा की हेल्पलाइन पर कॉल करके उनको बताना पड़ेगा कि हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन डैमेज हो चुकी है, बाकी वो आपसे डिटेल देंगे, उसके बाद आपको पेमेंट की जाएगी, ठीक है। बाकी अगर जो है वो आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपने मतलब आपकी स्क्रीन मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन डैमेज होती है और आपने अप्लाई कर दिया, उनको कॉल करके बता दिया, तो क्या आपकी जो इंश्योरेंस है क्या वो बाकी रहेगी, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसे ही आप उनको बताएंगे तो आपकी जो इंश्योरेंस है वो उसी वक्त डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है कि अगर हमारे मोबाइल फ़ोन में पानी चला जाता है या फिर कोई और मसला आता है जिससे स्क्रीन डैमेज हो जाए, तो क्या फिर हम उससे पैसे ले सकते हैं, देखिए फिज़िकल अगर आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन डैमेज होती है तभी आप ये पैसे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको जब आप अप्लाई करेंगे अगर वो अप्रूव करेंगे तभी आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। तो बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं इजी पैसा को जब आप ये इंश्योरेंस
क्लेम करेंगे तो उसके लिए आपने अपना ओरिजिनल नेम, CNIC नंबर और IMEI नंबर, ठीक है, वो आपने उनको देना है, वो व्हाट्सएप के थ्रू आपसे लेंगे। बाकी IMEI नंबर आप उसी वक्त अपना लिख लें या कहीं पर स्क्रीनशॉट लेकर रख लें जब आप ये इंश्योरेंस बाई करें, ठीक है। IMEI नंबर आपको आपके मोबाइल फ़ोन के बॉक्स पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने मोबाइल फ़ोन के डायलर में जाएं, वहां पर *#06# मिलाएंगे, वहां पर भी आपको IMEI नंबर मिल जाएगा, आप कहीं पर भी उसको लिख सकते हैं। रजिस्टर योर डिवाइस, ठीक है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन से जब भी रजिस्टर करना है तो देखिए उनके पास आपका IMEI नंबर भी जाता है, बाकी आपने अपना एक ही अकाउंट इस मोबाइल में लॉगिन रखना है, आपका IMEI नंबर भी जाएगा, अकाउंट नंबर भी जाएगा उनके पास, वो सब डिटेल्स वो चेक कर लेंगे। देखिए कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि दो अकाउंट यूज़ करते हैं, अभी तो फ़िलहाल 48 घंटों के अंदर दो अकाउंट ही लॉगिन होते हैं, तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो एक अलग IMEI जाएगा, दूसरे अकाउंट से भी सिम जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको इंश्योरेंस बाई करनी है, आपको रजिस्टर करना है, तो आपको एक ही अकाउंट उसमें लॉगिन रखना है और फिर जो है वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आपका क्वेश्चन है कि अगर जो है वो हम इंश्योरेंस बाई करते हैं और एक साल के अंदर हमारे मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है वो डैमेज नहीं होती, तो क्या हम इजी पैसा से पैसे क्लेम कर सकते हैं? तो इसके लिए मैंने इजी पैसा से बात की तो उन्होंने कहा कि चूँकि आप जो वो स्क्रीन के इंश्योरेंस बाई की है आपने, अगर वही डैमेज नहीं होती तो वो आपको पैसे पे नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आप डेली पे करते हैं वो 2 रुपये हैं, साल के तकरीबन 700 से ऊपर बनते हैं, तो वो आप जो इजी पैसा को पे कर देंगे तो वो भी रिफ़ंड नहीं होंगे, ठीक है। तो बाकी इन बातों का आप ध्यान रखें। बाकी आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कहीं पर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में बताएं, मैं आपको वहाँ पर भी रिप्लाई कर दूँगा। बाकी आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।